तो देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का दूसरा दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत करी है। रणधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष महामारी के इस दौर में राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। आज विपक्ष अपनी भूमिका निभा पाने में पूरी तरीके से विफल है। में कोरोना वायरस का खौफ जो है वो जिस तरह से चल रहा था, पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं और ऐसे में कोई भी नया मामला हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी राहत है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी, और वहीं राज्य सरकार जो है वो भी राहत की सांस ले रही है। आने वाले दिनों में संभावना यही है कि शायद जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए, जिसको लेकर सरकार अपने स्तर पर जो है वो हर काम कर रही है। चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें या फिर यूनियन मिनिस्टर्स के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वहीं कोरोना संक्रमण को लगातार न्योता यहां पर दिया जा रहा है। तमाम ये चीजें हैं, आरोप हैं, और ज्यादा बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता रणधीर जी, रणधीर शर्मा जी। रणधीर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखें सत्ता पक्ष की उस आरोप को जो ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगातार इस संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, और ऐसे में आप लोग जो हैं वो विफल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संकट की बात करें या कोरोना वायरस के जो टेस्ट जो होने हैं उसको लेकर बात करें? इस दौर में जो भूमिका नेताओं को निभानी चाहिए थी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष में हैं, मुझे लगता है विपक्ष के लोग उस भूमिका को निभाने में विफल रहे। कोरोना महामारी के इस दौर में आवश्यकता थी कि हम सब मिलकर अपने राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ते, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते, जनता को प्रेरित करते उनका पालन करने के लिए, और जनता की सेवा में अपना योगदान देते। परंतु मुझे दुख है कि विपक्ष के हमारे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, संकट के इस दौर में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने की बजाय राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन राजनीति के अलावा यहां पर सवाल ये भी है कि कुछ ना कुछ सच्चाई जो है वो उनकी बातों में भी तर्क जो है तर्कसंगत भी देखा जा सकता है। पिछले दिनों ये कहा गया कि यहाँ पर अब कर्फ्यू है, कर्फ्यू की सिचुएशन में यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो नहीं आ सकते, बाहरी राज्यों से आने लोगों का पूरी तरह से बैन था, जिसके पास कुछ परमिशंस हैं, परमिट हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इसलिए भी गर्माहट है क्योंकि हिमाचल में अभी दो सांसद, चाहे वो किशन कपूर की बात कर ली जाए, उनके बेटे की बात कर ली जाए, या फिर जो सांसद मंडी के हैं राम स्वरूप शर्मा, उनकी बात कर ली, आखिर कैसे ये लोग हिमाचल में पहुंचे और इनके लिए क्या कायदे कानून अलग हैं? क्या हिमाचल के बाकी लोगों को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल सकता था कि वो आएं और अपने आप को होम क्वारंटीन करें? देखिए, जहां तक हिमाचल सरकार की बात है, जो आपका पिछला प्रश्न छूट गया था, हिमाचल सरकार ने शुरू से ही प्रयास किए हैं, चाहे वो शुरू में शिक्षण संस्थान बंद किए हों, फिर उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम और मेलों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हो, और फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाकर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गंभीरता दिखाई है, और लॉकडाउन सफल करने के लिए भी डे टू डे मॉनिटरिंग, अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षकों को दिन प्रतिदिन दिशा निर्देश देकर उसको सफल बनाया है, और हमने कोरोना महामारी को कंट्रोल किया है। और आप देखिए, आपने कहा भी पिछले 6 दिन से कोई नया केस नहीं आया, और बड़ी बात यह है कि नया केस तो नहीं आया, जो पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव हुए हैं, केस कम हुए हैं, ये सरकार की सफलता है। और मुझे लगता है इसी से बौखलाकर विपक्ष जो है वो नकारात्मक बातें कर रहा है, राजनीति कर रहा है, और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब मिलजुल कर करने के प्रयास है, उसको करने चाहिए। मेरा एक सवाल यही है कि आखिर क्यों बीजेपी, चाहे पार्टी की अगर बात करें, नेताओं की अगर बात करें या सरकार की अगर बात करें, आखिर डर किस चीज का है? क्यों आप लोग खुलकर इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि सांसद जो हैं वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं,
ठीक है, दिल्ली से पहुंच जाते हैं, उनके किस तरह के परमिट्स जो हैं, हालांकि इसके ऊपर ये भी जवाब आया कि परमिट थे पूरी तरह से, कोई इसमें अवैध नहीं था, कोई भी इसमें इलीगल एक्टिविटी नहीं थी जिसके कारण जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आखिर खुलकर बात क्यों नहीं आप लोग कर रहे? नहीं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उससे जनता की ये भी अपेक्षाएं होती हैं कि वो संकट के दौर में हमारे बीच रहे, हमारी समस्याओं को समझे, जाने और उसका समाधान करवाए। अगर वो दिल्ली रहते हैं तो भी आलोचना होती है कि संकट के इस दौर में हमारा जनप्रतिनिधि दिल्ली बैठा है। इसलिए जनप्रतिनिधि के लिए कुछ विशेष प्रावधान करके जनता के बीच आने का मौका अगर सरकार ने दिया है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं किया है। और सिर्फ सांसद ही नहीं, ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं दूसरी पार्टियों के भी हैं जिनको ये मौका दिया गया है, इसलिए इसे कोई गलत बात या कोई ऐसा नहीं है। और सरकार शुरू से बाहरी राज्यों में रह रहे लोगों को लाने के लिए प्रयासरत थी और उस प्रयास में अन्य राज्यों की सहमति भी चाहिए थी, केंद्र सरकार की सहमति भी चाहिए थी। और जैसे अन्य राज्यों ने सहमति दी, गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दी, बाकी लोगों को चरणबद्ध ढंग से लाने के भी प्रयास शुरू हुए। अब आलोचना के लिए आलोचना करनी है तो की जा सकती है।